हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन बेल पर, जिससे कि आपको मेरे आगे के आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फालसे का शरबत बनाने की रेसिपी। फालसे जो है गर्मियों में ही आते हैं और फालसे का शरबत गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, ये शरीर को ठंडक देता है। तो चलिए देखते हैं फालसे का शरबत बनाने की रेसिपी। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम फालसे को लिया है और इन फालसे को मैंने अच्छे से धोकर यहाँ पर इस बर्तन में रख लिया है। तो अब हम फालसे में 1 कप पानी डालेंगे और हम फालसे को 1.5 से 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। फालसे के फूलने के बाद मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मसल कर इसका एक गाढ़ा सा इस तरीके से पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो स्पून से बना लीजिए। हमें इसके बीज को अलग करना है और इसके गुदे को अलग कर लेना है। तो जब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद इस तरीके से छलनी में डालकर इसको हम छानेंगे, जिससे इसका बीज छलनी से ऊपर रह जाएगा और इसका गुदा जो है हमने निकाल लिया है। और अब हम इस गुदा को मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 चम्मच चीनी, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स। तो मैंने 1 ट्रे आइस क्यूब को डाला है, जिससे कि फालसे का शरबत अच्छा सा ठंडा ठंडा बनकर तैयार हो। और उसके बाद हम मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं शरबत बनकर तैयार हो गया है। और सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास को पहले से निकाल कर रखा है। तो अब हम शरबत को सर्व कर लेंगे। सर्व करते समय मैंने इस तरीके से ग्लास के साइड में 2 लेमन को कट करके लगाया है। आप चाहें तो शरबत में लेमन को मिक्स कर सकते हैं, जैसा भी आपको टेस्ट पसंद हो, खट्टा मीठा। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो अपने घर आए मेहमानों को बनाकर पिला सकते हैं, अपने घर में सबको बनाकर पिला सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन बेल पर, जिससे कि आपको मेरे आगे के आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आगे मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।